हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव शो में। आज हम लोग क्रिसमस ट्री बनाएंगे, क्राफ्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या किए, कोई भी A4 साइज का पेपर ले लीजिए और उसको एक कोन शेप दे दीजिए। तो कोन शेप देके उसको हम ग्लू से पहले पेस्ट करके सिक्योर कर लेंगे। अब हम इसके बाद जो ऊपर जितना भी पोर्शन निकला हुआ है इसको क्या करेंगे, हम अच्छे से फोल्ड करके कट करके निकाल देंगे। कट कर देंगे और देखिए हमारा ये कोन शेप बन गया है। अब इसके ऊपर हमने ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स लिया है पेपर। इसी स्ट्रिप्स पेपर को हम पूरे अपने कोन में चिपकाते जाएंगे। तो इसको हम पतले पतले ऐसे स्ट्रिप्स कट कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर छोड़ छोड़ के यहाँ पे, क्योंकि हमको पेस्ट करना रहेगा। अब इसके बाद में क्या है, इसको हम एक चाकू की सहायता से या सीजर से ही आप ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो ये मुड़ जाएगा। अब इसमें हम क्या है, कागज़ डाल दिए ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए शेप। अब हम इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे ग्लू पेस्ट करना। तो हम सबसे पहले एक एक स्ट्रिप्स लेते जाएंगे और हम इसको इसके ऊपर में ऐसे पेस्ट करते जाएंगे। जहाँ आपको कम लगेगा तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स काट करके लगा सकते हैं। तो इसी तरह हम इसका दूसरा स्ट्रिप्स भी ऐसे ही पेस्ट करेंगे ऊपर की तरफ में। धीमे धीमे हमारे में स्ट्रिप्स जो जितने भी हैं वो कम होते जाएंगे। तो इसी तरह से हम आगे फटाफट सारा इतना स्ट्रिप्स चिपका लेंगे। और क्रिसमस से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस डाले हैं, ड्राइंग डाला हुआ है, सेंटा ड्राइंग डाला है, तो उसको भी आपको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा ये लगभग कंप्लीट होता जा रहा है और इसको हमने पूरा ऊपर तक ऐसी इस तरह कंप्लीट कर लिया है। हम इसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक स्टार को कट करके इसके ऊपर हम एक 3D स्टार बनाए हैं, इसको लगा करके एक सीख की सहायता से इसमें घुसा देंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद में हम इसके ऊपर एक एक ड्रॉप लगा करके फेविकोल का, और हम जो थर्माकोल की रंग बिरंगी गोलियाँ होती हैं उसको डाल करके सजाते जाएंगे। तो हम इसको ले लिए हैं और अपने हिसाब से आप जहाँ जहाँ चाहें जितनी मात्रा में लगा सकते हैं। तो इससे हमारा क्रिसमस ट्री बहुत सुंदर लगने लगेगा देखने में। तो इस तरह से हमने इसको पूरा लगा लिया। इसके बाद में आगे पीछे इसको हम घुमा कर हर तरफ से फेविकोल की स्ट्रिप्स लगा देंगे। इसके बाद अब हम एक थर्माकोल का कट करेंगे सर्कल, उसको उसके ऊपर पेपर रख करके भी काट करेंगे बेस के लिए। उसका बेस के लिए दोनों तरफ से पेपर पेस्ट करेंगे इधर, और रेड साइड और वाइट साइड दोनों साइड लगा देंगे। लगाने के बाद पेपर, इसके बाद में जो उसका बॉर्डर दिखता है उसमें बॉर्डर में भी हम ग्रीन कलर का एक पेपर लिए हैं, अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं, उसको लगा के पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये पूरा बेस रेडी हो गया है इसका। उसको अपना हमको ट्री को लगाना है तो इसके लिए मैंने एक पेपर को रोल करके इसके अंदर थोड़ा सा अंदर से हम थर्माकोल निकाल रहे हैं ताकि इसको हम अंदर घुसा देंगे तो अच्छे से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर कितना भी फेविकोल लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसको देखिए, इसमें हमने इसका स्ट्रिप डाल दिया। अब हमने एक और सर्कल पेपर कट किया है ताकि हमारा अंदर से ये जो हमारा जो ट्री है वो अच्छे से फिक्स हो जाए, उसको अच्छा बेस मिल जाए, वो गिरे इधर उधर ना हो। तो देखिए हमारा स्ट्रिप बन के रेडी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।